गैज़ा आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो देखने वाले हैं एरेज़ की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि जो हमने एरे के कॉन्सेप्ट देखे हैं चैप्टर सिक्स में उनको प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने चैप्टर सिक्स जो एरे है उसका सब कुछ नोट्स वगैरह डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना रिस्पेक्टिव वीडियोज़ के आपको साइट पर सारा कंटेंट डला हुआ मिल जाएगा ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ चैप्टर सिक्स प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल उठाता हूँ और पहला सवाल उठाने से पहले मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ सी डब्ल्यू एच अंडरस को ट्वेंटी नाइन तो मैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं प्रैक्टिस सेट सिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ और इस नाम से एक क्लास बन जाएगी और ये क्लास जब बनेगी तो मैं इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड लगा दूँगा और ये मेन मेथड भी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह मैंने लिख दिया मेन मेथड ठीक है सो so, पहला सवाल जो है वो पकड़ूंगा मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन और देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन क्या है प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन है क्रिएट एन एरे ऑफ फाइव फ्लोट्स एंड कैलकुलेट देयर सम्स मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को आपको एक एरे बनाना है पांच फ्लोट्स का हमने यहाँ पर देखा था अपने वीडियो नंबर सत्ताइस में इनफैक्ट मैं काम करता हूँ सत्ताईस अट्ठाईस खोलता हूँ बाकी जो लूप्स वगैरह के वीडियोज़ हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आपने क्या करना है फ्लोट्स का एरिया बनाना है ठीक है और फ्लोट्स का एरिया बनाने के बाद आपने क्या करना है उसके अंदर पांच वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो मान लो पांच वैल्यूज़ होने वाली हैं 45.7, 67.8 और मान लो 63.4 और 99.2 ये जो है वैल्यूज़ हैं और मान लो एक वैल्यू 100 भी है ठीक है अब यहाँ पर देखो आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है और इसका मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार जो लिटरल होता है अगर आप डेसिमल लिटरल ऐसे ही लिख देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डबल मानता है अगर आप चाहते हो कि वो एक फ्लोट कंसीडर किया जाए तो आपको लगाना पड़ता है एक एफ़ तो ये सारे एफ़ हम लोग लगा देंगे इस तरह से और अभी जो है चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी ठीक है अब हमें करना क्या है कि इनके सम को कैलकुलेट करना है और सम को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फ्लोट सम इज इक्वल टू ज़ीरो बनाऊंगा एक मैंने वेरिएबल बनाया जो कि क्या होगा जो कि जीरो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू होगी और जैसे जैसे मैं इसको आइट्रेट करूँगा वैसे वैसे मैं ये सारी वैल्यूज इसमें जोड़ता जाऊँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर फॉर इच लुक का इस्तेमाल करूँगा जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 27 में बताया था जो कि इस तरह से दिखता है मैं इसको इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर इंड की जगह फ्लोट लिखूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर और मैं लिखूंगा फ्लोट और मैं लिखूंगा एलिमेंट और लिखूंगा मार्क्स यानी कि मार्क्स एरे के अंदर एक एक करके मुझे सारे एलिमेंट्स दे दे जाओ और ये एलिमेंट की जगह आप कुछ और नाम भी चूज कर सकते हो इसको आप जो भी नाम दोगे ये आपको उस नाम से अंदर उपलब्ध हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट तो जो फॉर ईच लूप है हमारा इसके अंदर 45.7, 67.8, 63.4 ये सारे नंबर्स एक एक करके उपलब्ध हो जाएंगे और सम इज इक्ल टू सम प्लस एलिमेंट जब हम लिखेंगे यहाँ पर तब ये जो सम है उसके अंदर ये ऐड होती जाएंगी वैल्यू सारी एक एक करके तो सम की वैल्यू पहले जीरो थी उसमें ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा तो फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन हो जाएगा फिर ये जुड़ेगा फिर ये जुड़ेगा फिर ये, जुड़ेगा, फिर, ये, फिर, ये फिर ये और फाइनल जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर साउट कर पाऊँगा और मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा दी वैल्यू ऑफ़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दी वैल्यू ऑफ़ सम इज़ और मैं यहाँ पर लिख दूँगा सम ठीक है कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा आप लोग देखो कि हुआ क्या आ, हुआ ये कि अट्ठाईसवा वीडियो जो था अट्ठाईसवा वीडियो का कोड रन हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्टली रन दबा दिया मुझे राइट right क्लिक करके पहले रन करना पड़ेगा फिर यहाँ पर ट्वेंटी नाइन आ जाएगा फिर मैं जब रन दबाऊंगा तब ये ट्वेंटी नाइन रन होगा तो पहली बार जब आप फाइल को बनाते हैं तब आप लोगों को राइट right क्लिक करके ही रन करना है ठीक है ये गलती मैं भी कर देता हूँ खैर जो भी हो आप इसको राइट right क्लिक करके ही रन करें ये भी एक वो रहेगा सही ऑप्शन क्या ये हमारा जो सम था वो यहाँ पर आ गया जैसे कि आपने देखा तीन सौ छिहत्तर पॉइंट जीरो नाइन 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 एट ये हमारा जो सम है वो आ गया ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच पाँच सौ में से इतने मार्क्स टोटल मिले ठीक है अगर ये किसी एक बच्चे के मार्क्स हैं पाँच सब्जेक्ट में तो ठीक है सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन इन टीचर इज़ प्रजेंट इन एन अरे और नॉट ठीक है तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूँगा सेम अरे को ले लूँगा ठीक है लेकिन मैं क्या करूँगा कि इसे इस तरह से कॉपी करता हूँ और इसको नीचे ला के ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ अब आप देखना कि मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट से हटा दूँगा ठीक है इसको मैं मल्टी लाइन कॉमेंट से हटा देता हूँ और वो मैं लिखूँगा स्टार कुछ इस तरह से ठीक है तो ये मैंने इसको हटा दिया एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई और अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू को कैसे सॉल्व करता हूँ एक नंबर एरे में है या नहीं ये हमें पता लगाना है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा लिखूँगा नम इज़ इक्वल टू इनफैक्ट इनको ना इंटीजर्स बना लेते हैं ठीक है फ्लोट से भी काम हो जाएगा चलो फ्लोट ही रहने देते हैं नम इज इक्वल टू मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि 45.7 जो है वो है इस एरे के अंदर या नहीं है ठीक है मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बनाऊंगा एफ मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ और एफ के अंदर मैं लिखूँगा कि जो नम है वो बराबर हो जाता है एलिमेंट के तब आप क्या करें इज इन एरे को ट्रू कर दें लेकिन ये इन एरे क्या है ये एक बुलियन है ठीक है मैं एक इज़ इन एरे बुलियन बना रहा हूँ जो कि बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा अब आपको क्या कर क्या रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जैसे ही नम इक्वल्स टू इक्वल्स टू एलिमेंट हो जाता है और मैं ब्रेक भी करूँगा और ये भी बताऊँगा मैंने ब्रेक क्यों किया और फिर मैं यहाँ पर एक इफ़ लगाऊँगा लिखूँगा कि इज़ इन एरे तब प्रिंट करना है क्या तब प्रिंट करना है कि ये एरे के अंदर है वरना प्रिंट करना है एरे के अंदर नहीं है द वैल्यू प्रजेंट इन दर ठीक है एल्स एल्स में मैं क्या लिखूंगा द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन दरे और अब मैं इसको समझाता हूं मैंने किया क्या ठीक है और इतनी जल्दी जल्दी किया कि मैं आप लोगों को अब अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को देखो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया मार्क्स नाम का एरे बनाया इसके अंदर हमने कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने के बाद हमने एक नम बनाया हमने कहा फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन जो है और वो नम के अंदर डाल दो ठीक है नम के अंदर जैसे ही मैंने 45.7 डाला मैंने क्या किया मैंने कहा कि ये एरे में नहीं है अब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कह दिया कि यार ये एरे में नहीं है अब इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अगर ये एरे के अंदर है तो यानी कि जो बुलियन इज़ इन एरे मैंने बनाया है ये बुलियन वेरिएबल मैंने ये कह दिया कि यार ये जो नंबर है वो एरे के अंदर है ही नहीं अब अगर ये नंबर एरे के अंदर है तब इसको साबित करना पड़ेगा ये और साबित कैसे होगा इस एरे को हम हाइट्रेट करेंगे अगर नम इक्वल्स टू इक्वल्स टू एलिमेंट हुआ कभी भी यानी कि अगर ये जो नम है या तो ये हो या ये हो या ये हो या ये हो क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू तो ये 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 और ये होगी एक एक करके एलिमेंट की वैल्यू तो ये होगी ना पहले फिर ये होगी फिर ये होगी फिर ये होगी फिर ये होगी कहीं पर भी अगर ये जो एलिमेंट है ये नम के बराबर हो जाता है तब हम क्या करेंगे हम कह देंगे कि भाई हाँ ये एरे के अंदर है अब मान लो कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे चेक कर रहे थे और हमें यहाँ मिल गई मान लो कि वैल्यू बराबर है इनफैक्ट ये पहले ही मिल गई हमको वैल्यू बराबर तो हम चाहेंगे नहीं कि इनको चेक करें यार है एरे के अंदर हम आगे क्यों चेक करें इसलिए हमने ब्रेक किया हमने स्लूप को ब्रेक किया इसको मैं रन करूंगा और रन करके आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है द वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द एरे अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लगा देता कि यार फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव सेवन एरे के अंदर है क्या तो नहीं ये एरे के अंदर नहीं है इसलिए लिख के आ गया द वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे ठीक है द वैल्यू इज़ नॉट in इन array. तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया प्रॉब्लम नंबर टू हमने क्यों की कैसे की हमने सबसे पहले कह दिया कि एरे में नहीं है फिर हमने कहा कि अगर होगा तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे और कहीं पर भी हमको मिल जाता है ये बराबर है इसके नम के जो एलिमेंट है वो बराबर है नम के हम इस लूप को वहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है हम चाहेंगे हमारा प्रोग्राम फास्ट रन करें और हम लोग इसको यहीं पर ब्रेक करके सीधे यहाँ पर ये जो प्रिंट कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है आई होप कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू आप लोगों को समझ में आ गई ढंग से अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री में देख लेते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री और इसको मैं कर देता हूँ क्या इसको मैं यहाँ पर कॉमेंट आउट कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर ये जो मैंने डाला हुआ है इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये पूरा कमेंट आउट हो गया ठीक है सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री देख लेते हैं आगे कि क्या है प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्री में हमारा क्या है कि हम लोगों से पूछा गया है कि कैलकुलेट दी एवरेज मार्क्स फ्रॉम एन एरे कंटेनिंग मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यूजिंग फॉर ईच लूप और ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है हमने प्रॉब्लम नंबर वन में क्या किया था हमने प्रॉब्लम नंबर वन में जो किया था ऑलमोस्ट वही करना है मैं कॉपी करूंगा इसको प्रॉब्लम नंबर वन में जो हमने किया था उसको और यह पेस्ट करूंगा ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं हमें इस बार सम नहीं निकालना है हमको एवरेज निकालना है लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमें सम निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि मार्क्स दार्क्स वैल्यू ऑफ एवरेज मार्क्स इज क्या हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई इस एरे की लेंथ मार्क्स की लेंथ जो भी है उससे डिवाइड कर दो सम को और आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो इसका एवरेज है वो ठीक है तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखो दो वैल्यू ऑफ एवरेज मार्क्स है सेवेंटी फाइव पॉइंट टू वन मैंने सबसे पहले इन सबको सम किया और डिवाइडेड बाय एक दो तीन चार पाँच से कर दिया तो मैंने इन सबको जोड़ के पाँच से डिवाइड कर दिया और वो हो गया हमारा एवरेज एवरेज क्या होता है कि भाई सारी वैल्यू उसको जोड़ लो पहले फिर क्या करो सारी वैल्यू उसको जोड़ के डिवाइड कर दो किससे सारी वैल्यूज को जोड़कर डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं उनसे मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ यहां पर आई होप ये क्लियर हो गई प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थी प्रॉब्लम नंबर थ्री और अभी इसको यहां पर मैं ऐसे करूंगा कुछ इस तरह से ठीक है अब हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम फोर की तरफ बढ़ेंगे क्या है प्रैक्टिस प्रॉब्लम फोर क्रिएट अ जावा प्रोग्राम टू एड टू मेट्रिस ऑफ साइज टू क्रॉस थ्री तो टू क्रॉस थ्री की दो मेट्रिस बनानी है और उसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले वो क्या रहेंगी जो टू मेट्रसेस रहेंगी वो टू डी एरे रहेंगी तो मैट वन बनेगा एक तो सबसे पहले टू डी आर को कैसे बनाते हैं जावा में आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं टू डी आर को जावा में ठीक है देखते जाओ मैं कैसे बना रहा हूँ उसको और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि टैब भी लगा देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा टू क्रॉस यानी दो रोज़ हैं तीन कॉलम में तो वन टू थ्री यहाँ पे कर दिया और फ़ोर फाइव सिक्स कर दूंगा फोर फाइव और सिक्स ठीक है और उसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा या सेमी कॉलन आएगा तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं टू डी एर एजावा में ठीक है इसको मैं बैक कर देता हूँ ऐसे एक टैब लगाई एक टैब लगाई हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है आप स्पेस से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं ठीक है जैसे आपको ठीक लगे अब ये देखो एक मैंने एक टू क्रॉस थ्री मेट्रिक्स बनाई है इसमें क्या है दो रोज हैं तीन कॉलम्स हैं ठीक है थीके? दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं मैं एक मैट टू भी बनाऊंगा एक मैट टू भी बना लूंगा ऐसे ही जैसे मैंने मैट वन बनाई है मैट टू की वैल्यूज को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं सेवन कर देता हूं या वन कर देता हूं या थर्टीन कर देता हूं या थ्री कर देता हूँ ठीक है अच्छा अगर आप लोग को नहीं पता कि दो मेट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है मैट्रिक्स एडिशन मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ ये कोई इमेज यहाँ पर अच्छी सी मिल गई मुझे तो ये देखो जैसे इसको ऐड करना था ठीक है वन माइनस फाइव फोर टू को यहाँ पर थ्री टू माइनस टू वन से ऐड करना था तो वन और थ्री को ऐड किया तीन और एक चार माइनस फाइव और टू को किया तो क्या हुआ माइनस थ्री हो गया ठीक है तो यहाँ पर आंसर ही नहीं लिखा यार क्या यार हाँ यार देखो फोर एट वन जीरो थ्री सेवन फाइव टू को करना है हमें ऐड तो फोर और वन फाइव हो जाएगा ये एट और जीरो यहाँ पर आ जाएगा थ्री और फाइव ये आ जाएगा सेवन और टू ये आ जाएगा ठीक है तो ये फाइनल हमारी रिजल्टेंट मेट्रिक्स होगी आप देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं जो भी बस ये कि एक शर्त ये है कि दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए थ्री बाय थ्री है तो दूसरा जो जिसको ऐड कर रहे हो आप वो भी थ्री बाय थ्री होना चाहिए और जो आएगा रिजल्टिंग मेट्रिक्स वो भी थ्री बाय थ्री ही होगी ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देखो मेट्रिक्स वन मेट्रिक्स टू मेट्रिक्स वन प्लस टू टेन माइनस सिक्स को आपने जोड़ा माइ प्लस का फोर आया ठीक है जीरो और थ्री को जोड़ा थ्री आया माइनस फोर और वन को जोड़ा माइनस थ्री आया फाइव और माइनस सेवन को जोड़ा माइनस टू आया ठीक है तो ये आपका मैट्रिक्स एडिशन जो है इस तरह से हो सकता है अब हम लोग क्या करेंगे कि आ जाएंगे अपनी इस आईडीई में और सिंपल सा एक काम करेंगे कि फॉर लूप चलाएंगे ठीक है फॉर लूप चलाएंगे लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा फॉर लूप चलाने से पहले एक रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स भी बनानी पड़ेगी तो जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा जो कि इन दोनों को ऐड करके आएगा उसके अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो ले लूँगा और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो सारी वैल्यूज़ को मैंने ज़ीरो ले लिया है और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख दूँगा और मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊँगा और मैं फॉरीज भी चला सकता हूँ बट ठीक है मैं यहाँ पर अगर फॉरीज चला रहा हूँ तो कुछ इस तरह से चलाऊँगा मैं कहूँगा एलिमेंट और मैं यहाँ पर लिखूँगा जो फॉरीज एलिमेंट इन इन वर्ट मैट वन ठीक है मैट वन में आपको एलिमेंट चाहिए मैट टू में आपको एलिमेंट चाहिए और आपको इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट में लगाना लेकिन यहाँ पे फॉर ईच लूप से ज़्यादा अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ फॉर लूप की सहायता से और आसानी से हो जाएगा तो मैं लिखूँगा int i इज़ इक्ल टू ज़ीरो आई इज़ लेस देन कहाँ तक जाएगा मैट वन की लेंथ तक जाएगा i प्लस प्लस और उसके बाद सेम लूप में चलाऊँगा मैट टू की लेंथ के लिए ठीक है सॉरी मैट वन आई की लेंथ के लिए ये क्या कर रहा हूँ मैं मैं कर क्या रहा हूँ और मैं इसको चेक कर दूंगा क्योंकि ये अंदर जे आएगा ये जे आएगा ये आई आएगा अब आपको यार ये क्या कर दिया समझ नहीं आया और बिल्कुल मैंने समझाया ही नहीं अभी तो समझ कैसे आएगा देखो हमने क्या किया हमने कहा कि हमें आई को चलाना है मैट वन की लेंथ तक मैट वन में क्या है मैट वन में दो एरे हैं आप टेक्निकली देखो तो मैट वन में दो एरे हैं एक एरे ये है एक एरे ये है ठीक है हमने इसको मैट्रिक्स के तौर पर विजुलाइज़ कर लिया लेकिन जावा के लिए ये एक एरे ऑफ एरे है जिसके अंदर दो एरे मौजूद हैं ठीक है तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है यानी कि इसकी लेंथ टू जो है हमें दोनों को यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले ज़ीरो के लिए और उसके बाद वन के लिए ये जीरो एलिमेंट है इस मैट वन का और ये फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट वन का तो इंडेक्स जीरो पर वन टू थ्री वाला एरे है इंडेक्स वन पर फोर फाइव सिक्स वाला एरे है मैट वन के अंदर ठीक है मैं कह रहा हूँ मुझे ये दोनों एरे दे दो यानी कि एक बार आई की वैल्यू जीरो कर दो एक बार आई की वैल्यू वन कर दो और जैसे आई की वैल्यू जीरो या वन होगी मैं कह रहा हूँ आई की वैल्यू जब जीरो है तब जे को चलाओ जीरो से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक मैट वन आई की लेंथ तक मैट वन आई क्या है ये है इसकी लेंथ कितनी है एक दो तीन यानी तीन है इसकी लेंथ ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक बार तो मैं ये जो आई है ये कितनी बार चलेगा रो नंबर ऑफ टाइम्स और ये कितनी बार चलेगा कॉलम नंबर ऑफ टाइम्स इस केस में रोज़ कितनी है दो है तो ये दो बार चलेगा कॉलम कितनी है तीन है इसलिए ये तीन बार चलेगा और ये तीन बार चलेगा इसलिए मैं अब क्या कर सकता हूँ सीधा लिख सकता हूँ रिजल्ट आई जे इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट आई जे इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं मैट वन आई जे प्लस मैट टू आई जे ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है और मैंने बता दिया ये कैसे आया था ठीक है और मैं इसको आप लोगों को एक बार और बता दूंगा अच्छे से अगर आपको नहीं पता तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर साउट लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि सेटिंग वैल्यू फॉर आई इज़ इक्वल टू मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट यूज़ करूँगा मैंने बता रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट के बारे में एंड जे इज़ इक्वल टू परसेंटेज टी ठीक है यहाँ पर मैं आई और जे ऐसे लिख दूँगा मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स तो मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर मुझे जेईज लेन लिखना है आई इज़ लेसन नहीं लिखना है तो मुझे जे को चलाना है मेट वन आई डॉट लेंथ तक तो यहाँ पर ये वाला जो लूप है वो चलेगा रो नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला लूप चलेगा कॉलम नंबर ऑफ टाइम्स और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर और मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए थी यहाँ पर बैक स्लेशन लगा देना चाहिए था ताकि हर लाइन के बाद एक न्यू लाइन आ जाए तो हर लाइन के बाद अब एक न्यू लाइन आ जाएगी तो सबसे पहले इसने जीरो जीरो को सेट किया आप लोग देखो आई जीकल टू ज़ीरो जे ई जिकल टू जीरो को सेट किया फिर आई जीकल टू जीरो जे जीकल टू वन को सेट किया फिर ज़ीरो टू को सेट किया यानी कि जीरो रो और सेकेंड कॉलम इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ठीक है हम गिनती को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फिर वन जीरो फिर वन वन फिर वन टू तो इस तरह से इसने यहाँ पर इसको सेट किया तो ये जीरो थ्रो है ये फर्स्ट थ्रो है ये जीरो कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकेंड कॉलम है थ्री सिक्स वाला ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया रिज़ल्ट को ऐसे करा दिया ठीक है अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसको टू डी आर को प्रिंट भी करा सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको रिज़ल्ट को प्रिंट कराना है तो आप सेम फॉर फॉर्लुक का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग की सिस्टम और आउटडर प्रिंट एल एन ये मैं क्या करूँगा मैं रिज़ल्ट की वैल्यू इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँगा मैं लिखूँगा परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी ठीक है मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप प्रिंट करो रिजल्ट आई जे को ठीक है इस तरह से इनफैक्ट मैं यही करूँगा यार ए की वैल्यू को प्रिंट करूँगा रिजल्ट आई जे को प्रिंट करूँगा ठीक है और मैं इसको यार साउट करके भी कर सकता था चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट एलन भी कर सकता था, था इसको मैं ठीक है इनफैक्ट प्रिंट करूँगा प्रिंट एलन नहीं करूँगा प्रिंट करूँगा मैंने ये किया और ये के साथ साथ एक स्पेस लगाऊंगा ताकि एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेस हो जाए और जैसे ये कॉलम वाला लूप खत्म हो जाएगा यानी कि एक रो के लिए ये पूरा चल गया इसने सारे कॉलम्स के लिए एक रो को प्रिंट कर दिया है तो अगली रो जब स्टार्ट होगी उससे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन करूँगा और एक न्यू लाइन प्रिंट करूँगा इस तरह से मैं एक न्यू लाइन प्रिंट कर सकता हूँ अगर मैं इसको ऐसे ब्लैंक लगा दूँ तो मैं एक न्यू लाइन प्रिंट कर सकता हूँ इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया थ्री एट सिक्सटीन सेवन ट्वेल्व सेवन ठीक है देखते हैं ये सही है कि नहीं वन प्लस टू यस थ्री सिक्स प्लस टू यस एट थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व और सिक्स वन सेवन तो देखो इसने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके सेट कर दिया ठीक है तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ टू डी आर कैसे हुआ ये मैंने सिर्फ इसको प्रिंट किया मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया यहाँ पर जो कि रिजल्ट आई जो था उसके बाद एक स्पेस लगा दी जो कि यहाँ पर आ रही है देखो ये आया स्पेस आया ये आया स्पेस आया ये आया स्पेस आया फिर जैसे एक रो खत्म हो गई यानी कि एक आई के लिए चल गए सारे कॉलम्स फिर मैंने एक स्पेस यहाँ पर प्रिंट एलन करके प्रिंट करी ये क्या करेगा ये लाइन से एक न्यू लाइन प्रिंट करेगी और कुछ नहीं करेगी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं दिया प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट एलन के कारण एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगी और इसने कर दिया देखो और इस तरह मैं टू डी आर को डिस्प्ले करा सकता हूँ ठीक है आई होप यार क्लियर हो गया सब कुछ मैं इसको ज़रा कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ और इस तरह से मैं ये कर देता हूँ ठीक है so, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अगली प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे और अगली प्रॉब्लम हमारी क्या है इसको बंद कर देता हूँ साइड से अगली प्रॉब्लम यह कि आपको एक एरे को रिवर्स करना है जावा की सहायता से तो एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो कि एरे को रिवर्स करे तो क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे ठीक है एक एरे को रिवर्स करें जावा की सहायता से ठीक है जावा की सहायता से एक एरे को रिवर्स करें एक एरे को रिवर्स कैसे किया जा सकता है ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक एरे लिखूँ और मैं आप लोगों से पूछूं कि एक एरे को रिवर्स कैसे कर सकते हो तो मुझे कोई अच्छा सा एक आ, इमेज मिल जाए बस हम मिल गई मुझे इमेज ये देखो मान लो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मान लो इतना ही एरे है इसको छोड़ दो ये जो डॉट्स लगी हैं इसको छोड़ दो आप ये मान लो कि जीरो से सिक्स तक ये सेवन लेंथ का एरे है और आपने क्या करना है कि इसको रिवर्स करना है इसको उल्टा करना है ठीक है तो आप क्या करो कि इसकी लेंथ क्या है सात है तो आप क्या करो कि अगर आप इन तीन को यानी कि यू बी एफ वाले जो हैं और ए ई सी वाले हैं इनको ऐसे स्वाप कर दो यानी कि एफ को ए से कर दो बी को ई e से कर दो और यू को सी से कर दो तो ये अरे उल्टा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा लेट मी एक्सप्लेन मान लो मेरे पास ये एरे है और इसके अंदर कुछ एंटीजर्स हैं मान लो ठीक है और मान लो ये U B F D A E C ही है मान लो और इसको जरा अभी के लिए इग्नोर करो ये जो ये जो है यहाँ पे मान लो ये कुछ नहीं है इतना हमारा एरे है इसका मिड पॉइंट क्या है इस एरे का ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं इसको मिड बोल दूंगा ठीक है ये मेरा मिड है अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को इन दोनों को और इन दोनों को स्वाप कर दूंगा यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूंगा तो U की जगह आ जाएगा C C की जगह आ जाएगा U तो यहां पर मैं लिखूंगा नए एरिए में C आ जाएगा B की जगह क्या आ जाएगा E आ जाएगा और E की जगह क्या आ जाएगा E की जगह B आ जाएगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा और सी की जगह यू आ जाएगा अब F की जगह A आ जाएगा A की जगह F आ जाएगा और बीच वाले मिड वाले को मैं ऐसे ही रहने दूंगा ठीक है मिड वाले को क्या करूंगा मैं ऐसे ही रहने दूंगा अब देखो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया पहले U B F था देखो उल्टा हो गया U B F डी ए सी ये तो सेम रहा डी इसको मैंने कुछ नहीं किया डी ए ई सी ठीक है तो इस तरह से हम लोग उल्टा कर सकते हैं किसी भी एरे को यानी कि कुल मिला के मतलब ये है कि अगर मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव करके एक एरे है तो मैं उसका मिड पॉइंट उठाऊंगा पहले इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इन दोनों को रिप्लेस करूंगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वन और फाइव को रिप्लेस करूंगा फाइव वन हो जाएगा टू और फोर को रिप्लेस करूंगा फोर और टू हो जाएगा और बीच वाले को ऐसे रहने दूंगा तो ये मेरा लॉजिक हो गया एरे को उल्टा करने का हो गया कि नहीं हो गया अच्छा अगर सिर्फ वन टू थ्री फोर होता तब मैं क्या करता अगर वन टू थ्री फोर होता तब मैं क्या करता तब मैं ये काम कहाँ तक करता तब मेरा मिड पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है मिड पॉइंट को एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या करता ये ज़ीरो और वन के लिए करता अभी मैंने किस किस के लिए किया यहाँ पर भी जीरो और वन के लिए किया है मैंने तो बेसिकली मैं क्या करूँगा एरे ऑफ लेंथ फाइव के लिए मैं ज़ीरो वन तक जा रहा हूँ एरे ऑफ लेंथ फोर के लिए भी मैं ज़ीरो वन तक जा रहा हूँ तो मैं ये कह दूंगा कि मैं लेंथ बाई टू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ तक जाऊँगा अब आप लोगों को ये क्या कर दिया मैंने लेंथ बाय टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या होता है देखो लेंथ बाय टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसकी लेंथ बाय टू क्या है टू पॉइंट फाइव है तो मैं शुरू के दो एलिमेंट्स लूँगा पॉइंट फाइव कुछ नहीं होता इसलिए शुरू के दो एलिमेंट्स लूँगा इसकी लेंथ क्या है फोर फोर बाई टू क्या है टू इसलिए मैं शुरू के दो एलिमेंट लूँगा टू पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू होता है ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीज़ों को ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपको आना चाहिए कोई भी पॉइंट है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद कोई पॉइंट है उसको हटा के आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो थ्री पॉइंट फाइव फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर है थ्री पॉइंट फाइव थ्री सॉरी सिर्फ थ्री इंटीजर ठीक है ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3.55 का 2.5 का 2 का है ठीक है तो हमें क्या करना है लेंथ बाय टू एलिमेंट्स जो है शुरू के उनको स्वाप करना है किससे स्वाप करना है आ जाओ देखते हैं तो यहां पर आप लोग देखो मान लो मेरे पास एक एरे है ठीक है और वो एरे है सेवन नाइन ट्वेल्व और इलेवन का यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इवन है इसकी इंडेक्स क्या होगी जीरो वन टू थ्री ये इसकी इंडेक्स होगी ठीक है और मैं इसको अगर डब्बे में बंद कर दूं नॉट श्योर sure, मैं कितना क्लीन डब्बा बना पाऊंगा यहाँ पर बट मान लो ये मेरा एरिया है ठीक है काफ़ी क्लीन बन गया उसके बाद भी ठीक है अच्छी बात है यहाँ बस सेवन नाइन ट्वेल्व और इलेवन बन गया तो मैं ज़ीरो को इंटरचेंज करूँगा थ्री से वन को रिप्लेस करूंगा जो एलिमेंट यहाँ पर है उसको करूँगा किस से टू से तो ये पेयर कहाँ से आएंगे मेरे पास तो मैं आई को किससे कर रहा हूँ मैं आई को रिप्लेस कर रहा हूँ इसकी लेंथ क्या है लेंथ फोर है तो एल माइनस वन माइनस आई से ये एल माइनस वन माइनस आई है ये एल माइनस वन माइनस आई माइनस वन है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली सॉरी ये एल माइनस वन माइनस आई है वेयर आई इज इक्वल टू टू यहाँ पर ये एल माइनस वन माइनस आई है वेर आई इज इक्ल टू कितना ज़ीरो ये एल माइनस वन माइनस आई है वेयर आई इज इक्ल टू वन ठीक है तो मैं कहूँगा आई को रिप्लेस कर दो रिप्लेस एलिमेंट एट आई विद एलिमेंटेड एल माइनस आई माइनस वन तो क्या ये सच बैठ रहा है यहाँ पर लेंथ कितनी थी लेंथ इज इक्वल टू थी मेरी फोर तो इफ़ आई इज इक्वल टू जीरो तो एल माइनस वन माइनस आई कितना हो जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री तो हाँ जीरो को थ्री से करना है वन को किससे करना है एल इज इक्ल टू फोर है तो वन को किससे करना है एल माइनस आई माइनस वन तो बेसिकली ये जो मैं ऐसे पेयर बना रहा हूँ ना ये मुझे एल माइनस आई माइनस वन से मिल जाएंगे अगर मुझे इसका निकालना है कि इसका कौन सा होगा पेयर यानी कि इसका मुझे किससे रिप्लेसमेंट करना है तो मुझे एल माइनस आई माइनस वन से करना है एल एक कांस्टेंट है जो कि अरे की लेंथ है आई किस एलिमेंट को मैं कर रहा हूँ ये इंडेक्स यानी कि जीरो और वन तो कांस्टेंट है एल माइनस वन माइनस आई तो मैं कहूँगा कि ए आई को रिप्लेस कर दो ए आई ए एल माइनस वन माइनस आई से इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है तो आपको ये लॉजिक आई होप समझ में आ गया कि ए आई को ए एल माइनस वन माइनस आई से रिप्लेस क्यों करते हैं ठीक है ए को ए आई को हमने एल माइनस वन माइनस आई से रिप्लेस किया ठीक है तो हम इस तरह से रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं और ये कब तक करते रहेंगे हम हम एल बाई टू के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक करते रहेंगे इस केस में फ़ोर है अगर पाँच का एरे होता तब भी टू सॉरी टू है यार फोर बाई टू इज़ टू इनफैक्ट इसको ऐसे कर देता हूँ अगर फाइव होता तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता टू पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर तब भी मैं दो तक ही करता तब भी मैं दो तक ही करता ठीक है तो आई होप ये समझ में आ गया आपको कि यार अगर मेरे पास आठ नौ दस दो तीन चार ये एरे है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ये देखूंगा कि इसका मिड पॉइंट क्या है वो ये है इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इन दोनों को रिप्लेस करूंगा और मेरा एरे उल्टा हो जाएगा आप करके देख लो चाहो तो चार यहाँ आ जाएगा आठ यहाँ आ जाएगा ठीक है एंड में दो यहाँ आ जाएगा और सॉरी तीन यहाँ आ जाएगा और नौ यहाँ आ जाएगा फिर दस और दो को करोगे तो दो यहाँ आ जाएगा दस यहाँ आ जाएगा और देखो अरे उल्टा हो गया आठ नौ दस दो तीन चार देखो उल्टा हो गया है ठीक है आई होप कि ये एकदम क्लियर है आप लोगों को और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है सबको क्योंकि अब मैं कोड लिखूंगा इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कैसे एक एरे को उल्टा किया जाता है तो आपको आई को रिप्लेस करना है ए एल माइनस वन माइनस आई से क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया ठीक है तो आ जाओ यार इंटेलिजेंट आइडिया में वापस से आ जाते हैं और कोडिंग करते हैं इस प्रॉब्लम नंबर कौन सी प्रॉब्लम थी हमारी ये हमारी प्रॉब्लम नंबर फ़ाइव है रिवर्स करना है एरे को प्रॉब्लम नंबर फ़ाइव को सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉब्लम नंबर फाइव फोर तक तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया था अब मैं प्रॉब्लम नंबर फाइव लिखूँगा ठीक है प्रॉब्लम नंबर फाइव लिखूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि यार सबसे पहले मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी एक नंबर का यानी कि एक नंबर का जावा में तो वो मैं कैसे करूँगा ठीक है तो एक मैथ क्लास होती है जावा में ठीक है और मैथ डॉट फ्लोर होती है एक ठीक है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो मैथ डॉट फ्लोर डिव का यूज़ कर सकते हो और फ्लोर डिव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो मैं फ़ाइव और टू का निकालता हूँ फ्लोर डिव ठीक है मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को मैं लिखूँगा इंट ए इज़ इक्वल टू और मैं यहाँ आप पर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए करके दिखाऊंगा तो ये फ्लोर डिव क्या होता है दिखाता हूँ आपको तो ये देखो टू आ गया फाइव और टू को मैंने डिवाइड किया तो टू आ गया यानी कि डेसिमल यहाँ पर नहीं आएगा अगर मैं इसको फ्लोट भी कर दूँ ना तब भी ये टू ही आएगा टू पॉइंट जीरो ठीक है लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए इसलिए मैं एंटी रखूँगा इसको एंटी इज इक्वल टू ये अगर मैं फोर बाय टू करूँ तब भी क्या आएगा तब भी टू आएगा देख लो थ्री बाय टू करूँ तो क्या आएगा वन पॉइंट फाइव होता है लेकिन डेसिमल वाले को इग्नोर करके ये वन लाएगा ठीक है तो ये वन आ गया देखो तो मैं फ्लोर डिव का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं फ्लोर डिव किसका निकालूंगा मैं फ्लोर डिव निकालूंगा ए आर आर की लेंथ का और टू का यानी कि ये निकालूंगा और ये मैं एन की वैल्यू दे दूंगा कुछ इस तरह से मेरा जो एरे होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ठीक है मैं बनाऊंगा इसको वन टू तो, थ्री फोर फाइव और सिक्स मुझे करना है इसको रिवर्स तो मैं अपने फॉर लूप को चलाऊंगा कहाँ से कहाँ तक मैं अपने फॉर लूप को चलाऊंगा जीरो से लेकर मैंने आपको अभी बताया था कहां तक चलाना है एन तक वेयर एन इज वेयर एन इज वॉट डेव मैट डॉट फ्लोर डेव यहां तक चलाऊंगा और आई प्लस प्लस करूंगा इसके अंदर मैं जो लॉजिक लिखने जा रहा हूं वो दो नंबर्स को स्वाप करने का है ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर बताता हूं कि स्वाप ए आई उप एंड एल माइनस उपी क्या किया मैंने माइनस वन माइनस आई ठीक है और एल को ना एक वही बना देता हूँ एक वेरिएबल ही बना देता हूँ एल को यार इंट एल इज इक्वल टू ये इटर्न लिख दिया मैंने इंट लिखना चाहिए था मुझे इंट एल इज इक्वल टू ये मैंने लिख दिया तो एरे की लेंथ जो है वो मैंने एल के अंदर स्टोर कर ली है अब मुझे ए आई को स्वाप करना है ए एल माइनस वन माइनस आई से ठीक है तो अगर मैं ए आई इज इक्वल टू ये लिख देता हूँ तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो लूज़ हो जाएगी अगर मैं ये इज इक्वल टू ये लिख देता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो लूज़ हो जाएगी ए आई वाली ए आई ए एल माइनस वन माइनस आई वाली ठीक है तो दो नंबर को स्वाप करते हैं जब तो कैसे करते हैं ऐसे मान लो मुझे थ्री और फोर को स्वाप करना है ठीक है तो मान लो मेरे पास दो डब्बे हैं एक के अंदर थ्री है एक के अंदर फोर है, है और मुझे उन दोनों डब्बों को जो है ऐसा करना है कि फ़ोर की वैल्यू थ्री में डाल दूँ थ्री की वैल्यू फोर में डाल दूँ और ऐसा समझ लो कि उस डब्बे के अंदर सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है जैसे कि हमारा इंटीजर होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है तो तीन और चार इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है और ये दोनों एक डब्बे के अंदर बंद है ठीक है और मैं इनको डब्बे के अंदर बंद कर ही देता हूँ यार ये मान लो ये डब्बा है और ये डब्बा जो है इसके अंदर फोर बंद है मान लो ठीक है आपने क्या करना है आपने तीन जिसमें डला हुआ है उसके अंदर फोर को डालना है और तीन को निकाल के आपको डालना है वहां पर जहाँ फोर था तो अगर आप चार को निकाल के तीन में डाल देते हो तो तीन रिप्लेस हो जाएगा तीन को उठा के आप यहाँ डाल देते हो तो जो चार है वो खो जाएगा तो आप क्या करोगे एक टेम्प्रेरी डब्बा ले आओगे आप कहोगे कि यार मैं काम करता हूँ थ्री को टेम्प्रेरीली यहाँ पर रख देता हूँ फिर फोर को यहाँ ले, ले आता हूँ और फिर थ्री को यहाँ ले आता हूँ तो ये एक स्वॉपिंग लॉजिक है दिस इज़ वन ऑफ द स्वापिंग लॉजिक्स और हम इसको यूज़ करने वाले हैं देखो कैसे करेंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक टैंप बनाएंगे सबसे पहले वो जो डब्बे की मैंने बात करी थी वो एक टेम्पररी इंटीजर था तो मैं इंट टेम्प यहाँ पर लिख दूंगा मैं लिखूंगा टैम्प इज़ इक्ल टू ए आई यानी कि जो ए आई है और ए नहीं ए आर आर आई मेरा एरे ए आर आर ए आर आर आई मैंने जो ए आर आर आई के अंदर वैल्यू थी मान लो जो यहाँ पर वैल्यू थी इसको वापस से तीन चार कर देता हूँ जो यहाँ पर तीन में वैल्यू थी वो मैंने यहाँ स्टोर कर ली temp में मैंने कहा कि यार तीन तुम temp में स्टोर हो जाओ यहाँ पर ठीक है और चीज़ों को और रोचक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा ए आर आर आई या फिर मैं ए और बी लिख देता हूँ मान लो हम ए और बी को रिप्लेस कर रहे हैं और ये टेम्प है मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू ए आर आई यानी कि तीन को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया फिर मैं लिखूंगा ए आई इज इक्वल टू और ए नहीं ए आर आर है मेरा जो एरे है वो ए आर आर है ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर एल माइनस आई माइनस वन अब एल माइनस वन माइनस आई लिख लो एल माइनस आई माइनस वन लिख लो बात वही है थ्री माइनस वन माइनस टू कर लो या थ्री माइनस टू माइनस वन कर लो एक ही बात है ठीक है उसके बाद क्या करूंगा इसको मैं कर दूंगा इज इक्वल टू टेम्प और आप देख लो यहाँ पर हुआ क्या क्या ये रिप्लेस करेगा लॉजिक या नहीं करेगा दो नंबर्स को तो पहले यहाँ पर तीन था ठीक है सबसे पहले जब कुछ नहीं हुआ था ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो टेम्प के अंदर आ गया तीन ठीक है फिर क्या हुआ ए आर आर आई के अंदर ये आ गया जो कि यहाँ पर था ये यहाँ पर आ गया उसके बाद ए आर एल माइनस वन माइनस आई के अंदर टेम्प आ गया तो ये मैं हटा के यहाँ डाल दूंगा ठीक है तो देखो ये रिप्लेस हो गया जो ए में था वो बी में आ गया और जो बी में था वो ए में आ गया ठीक है क्या ऐसा करने से एरे उल्टा होगा हाँ जी बिल्कुल एरे उल्टा होगा क्यों नहीं होगा एरे उल्टा हमने भी देखा था एरे उल्टा करने का लॉजिक भी और बिल्कुल यार एरे उल्टा होगा तो एक काम करते हैं एक फॉरी चुलूप लगाते हैं एक एंट एलिमेंट लिखते हैं मैंने कुछ गलत उल्टा सीधा दबा दिया बटन कोई बात नहीं मैं एंट यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट इन ए और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिमेंट ठीक है तो मैं एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ एक एक करके तो देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था हमारा एरे और प्रिंट क्या हुआ सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन यानी कि एरे मेरा उल्टा हो गया है एरे मेरा उल्टा हो गया है मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी कर सकता हूँ प्रिंट एल एन नाल लगा के प्रिंट लिख दूंगा और प्लस करके एक स्पेस लगा दूंगा और आप देखो इसको रन करूँगा तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन आ गया अच्छा अगर मैं इसको ये बना देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव तो ये क्या काम कर रहा है हाँ काम कर रहा है बिल्कुल फाइव फोर थ्री टू वन अच्छा अगर इसमें मैं दो एलिमेंट्स और जोड़ देता हूँ जो कि सॉर्टेड नहीं है कोई मतलब नहीं है काम करेगा बिल्कुल क्यों नहीं करेगा काम टू को ट्वेंटी वन बना दो इसको आप रन करोगे ये उल्टा हो जाएगा सिक्सटी सेवन थर्टी फोर से स्टार्ट होगा फाइव फोर थ्री ट्वेंटी वन वन तो इस तरह से एरे को उल्टा किया जाता है तो यार बहुत कॉन्सेप्ट सीखे यार इस क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन ने हमको काफ़ी कुछ सिखा दिया प्रैक्टिस प्रॉब्लम फाइव ने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक एरे को उल्टा कैसे करते हैं कि भाई यहाँ तक हम जो आधा एरे है वो ले लो और उसको इसके अपोजिट साइड से रिप्लेस करते जाओ एक तो चीज़ हमने ये सीख ली और दूसरी चीज़ जो थी वो हम लोगों ने ये सीखी कि दो नंबर्स को रिप्लेस कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लूप है हमने ये लगाया सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसको इससे रिप्लेस कर दो इसको इससे रिप्लेस कर दो और अगर ये वाला एरिया है तो इसको इससे कर दो इसको इससे कर दो इसको इससे कर दो और फाइनली जब हो गया तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया अपने एलिमेंट्स को ठीक है आई होप यार ये चीज़ क्लियर है सबको और सब लोग समझ गए हैं ये प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन हैं ये कोड वगैरह तो सब आपको मिल ही जाएगा अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है और एट एनी पॉइंट आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या आपको अपने हिसाब से लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए तो एक वीडियो को दो बार देखने में हिचकिचाना मत कभी मत हिचकिचाना यार एक वीडियो को आप तीन बार भी देखते हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो एंड में मैटर यही करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप जानते हो कि अरे क्या है रिवर्स कैसे करते हैं और उसी के साथ साथ दो नंबर्स को स्वाप कैसे किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर एक बार नहीं दो बार वीडियोस देख लेते हो तो उसमें आप छोटे नहीं बनोगे उल्टा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपनी जो प्रैप है अपने हिसाब से करो अच्छे से अगर आपको लगता है तीन बार देखने में समझ में आएगा तो तीन बार आपको देखना चाहिए उस वीडियो को और उसी के साथ साथ कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब उन्हें आता है और उनको ऊप्स की तरफ जल्दी से बढ़ना है उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें यूट्यूब प्लेयर में आप टू की स्पीड पे देख सकते हो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो ये सारी स्पीड्स अवेलेबल है यूट्यूब पर बट अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं अच्छे से समझना चाहते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको जो टाइम है वो वेस्ट होने वाला है इनको देख के कुछ नया ही सीखोगे हर बार ठीक है छठा क्वेश्चन यार आपको खुद करना है राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे साथ भी सिमिलर ही है मिनिमम एलिमेंट निकालना है उसमें ठीक है और मैं एक काम करता हूँ छठा करके दिखा देता हूँ मैक्सिमम निकाल के दिखा देता हूँ एक एरे के अंदर तो यही वाला एरे ले लेता हूँ जो कि मैंने प्रॉब्लम फाइव में बताया था प्रॉब्लम सिक्स में भी इसी एरे को यूज़ कर लेता हूं प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिक्स और इसमें मैक्सिमम एलिमेंट सिक्सटी सेवन है चलो मैं एक नया मैक्सिमम डाल देता हूं फोर फिफ्टी फाइव ठीक है मैं यहां पर लिख दूंगा इंड मैथ्स इज एकल टू ज़ीरो एज्यूमिंग की इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा पॉजिटिव इंडीजर्स का एरे है मैक्स इज एकल टू जीरो मैंने कर दिया ठीक है अब मैं क्या करूँगा मैक्स इज एकल टू मैंने जीरो कर दिया अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं लिखूंगा एलिमेंट इंट एलिमेंट या फिर इंट ई e भी लिख सकता हूं मैं सिर्फ ए आर आर के अंदर ठीक है ए आर आर के अंदर मैंने एलिमेंट लिखा अब मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा कि इफ इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन मैथ्स मेक इट द न्यू मैथ्स मैथ्स इज इक्वल टू ई यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मुझे रास्ते में मिलता है जो कि मैक्स से बड़ा है उसको मैं नया मैक्स बना दूंगा यहाँ पर मैक्स वन हो जाएगा फिर ट्वेंटी वन नए मैक्स से बड़ा है इसलिए मैक्स ट्वेंटी वन हो जाएगा थ्री मैक्स से छोटा है तो नहीं ट्वेंटी वन ही रहेगा मैक्स यहाँ तक फोर फिफ्टी फाइव मैक्स फोर फिफ्टी फाइव बन जाएगा और थ्रू आउट फोर फिफ्टी फाइव ही रहेगा तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स को देख रहा हूँ इस एरे के और कहीं पर भी मुझे मेरे मैक्स से बड़ा एलिमेंट मिलता है मैं उस एलिमेंट को नया मैक्स बना देता हूं तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है साउट लिख कर आप लिख सकते हो कि दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज ठीक है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस इज मैक्सीम एलिमेंट इन दिस Array इज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ प्लस करके मैक्स ठीक है इसको रन कर रहा हूँ चार सौ पचपन अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको इक्कीस सौ कर दूँ तो इक्कीस सौ मैक्स हो जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से लिख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे इज़ इक्कीस सौ ठीक है आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई और आप लोग इस चीज़ को समझ गए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जब आप मिनिमम नंबर की बात करोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया था जब मैक्स लिया था तो हमने मिनिमम नंबर ले लिया जो कि जीरो था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जब आपको मिनिमम नंबर निकालना होगा तो आप क्या करोगे मैक्सिमम इंटीजर लेने की कोशिश करोगे तो वो मैक्सिमम इंटीजर आप क्या लोगे क्या होगा वो आपका मैक्सिमम इंटीजर तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जावा के अंदर मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू होता है मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेवन के करस्पॉन्डिंग कुछ हिंट देना चाहता हूँ अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखोगे और आप लिखोगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और आप मिन वैल्यू करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो इंटीजर होल्ड कर सकता है तो ये देखो माइनस ये से लेके ये तक मैंने मिनिमम पहले लिखना चाहिए था कोई बात नहीं मैक्स पे पहले लिख सकते हैं तो माइनस यहां से लेके कर प्लस यहाँ तक वैल्यू जाएगी तो आप क्या कर सकते हो मिनिमम वैल्यू इसको ले सकते हो मैं यहाँ जीरो की जगह मैक्स इज इक्वल टू जीरो की जगह इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी ले सकता था कुछ इस तरह से तो मेरा ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी काम करता प्रोग्राम तो अगर मैं नेगेटिव भी डाल दूँ इसमें इंटीजर्स तो ये मैक्स मुझे देगा अगर मैंने इसको ऐसे अभी रन किया तो इक्कीस सौ आना चाहिए मैक्सिमम हाँ इक्कीस सौ आ रहा है देखो लेकिन अगर मैंने इक्कीस सौ को माइनस इक्कीस सौ कर दिया तब तो आप लोग देखो कि ये क्या कर रहा है जो मैक्सिमम है वो मेरा चार हो गया तो मैंने क्या किया कि मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट है मैंने बोल दिया यार मेरे पास सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट है क्या इससे छोटा इससे बड़ा एलिमेंट है हाँ है वन है ये तो नहीं है ये ये वन वन से बड़ा नहीं है इसलिए ये अपडेट नहीं होगा मेरा जो मैक्स है यहाँ पर क्या मेरा मैक्स अपडेट होगा तो इसी तरह से आप लोग देख लेना इसको ठीक है यहाँ पर आप क्या करोगे जब आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना होगा तो आप कहोगे जो मेरा मिनिमम है वो मैक्सिमम है तो आप दो लाख ये कितना होता है दो लाख भी नहीं है ये ये है आपका टू बिलियन ठीक है टू बिलियन है ये आपका तो टू बिलियन आप ले लोगे ऐसे ही आप कहोगे यार टू पॉइंट समथिंग बिलियन है आप उस नंबर को ले लोगे और आप कहोगे कि ये जो मेरा है ये मेरे पास सबसे छोटा एलिमेंट है क्या इससे छोटा किसी के पास है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई छोटा एलिमेंट होगा ही एरए में तो मान लो इसी एरे में मुझे सबसे छोटा निकालना है एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में मान लो मुझे निकालना है तो मैं कहूँगा हाँ ये है छोटा फिर मैं मिन को ये से अपडेट कर दूंगा। फिर ये मिन से छोटा नहीं है ये मिन से छोटा नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है इसलिए मेरा मिन हो जाएगा वन तो ऐसा ही हमको प्रोग्राम बनाना है ठीक है अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कुछ इस तरह से तो यार आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना बहुत कम लोग इंटरेक्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ दिल से सब लोग लिख के बताओ यार कि मज़ा आ रहा है और मज़ा आ गया मतलब एक हिंदू सी आजम बन के रहना चाहिए कोर्स में और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन तो आपको करना ही है आठवें क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि आपको बताना है कि एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि क्योंकि ये बताएगा एरे सॉर्टेड है कि नहीं है तो मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन और इसके बाद यार मेरे हिसाब से एरे की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ठीक है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेवन ठीक है एक एरे दिया है हमको क्या ये एरे सॉर्टेड है क्या ये बढ़ते क्रम में है नहीं ये बढ़ते क्रम में नहीं है एक से बड़ा इक्कीस इक्कीस सौ से बड़ा नहीं है तीन तो नहीं ये सॉर्टेड नहीं है तो यही डिटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक फॉलुप लगाऊंगा मैं लिखूंगा इंटाईज टू जीरो आई इस डॉट लेंथ और i प्लस प्लस ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा ए आर आर आई मैंने यहां पर ए आर आर आई लिखा है और मैं ये कहूंगा कि क्या ए आर आर आई जो है वो छोटा है ए आर आर आई प्लस वन के अगर मैं ऐसा करता हूं अगर ये है तब तो अच्छी बात है यह सॉर्टेड है लेकिन ऐसा कहीं भी अगर ऐसा नहीं होता है तब तो ये सॉर्टेड नहीं है तो मैं लिखूंगा एफ एट एनी पॉइंट ए आर आर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा लेकिन ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए यानी कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए इससे देखो यहां पर हो गया इक्कीस सौ बड़ा है तीन से तो ये सॉर्टेड नहीं है अगर ऐसा हो गया तो इज सॉर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स और ब्रेक ठीक है और मैं एक बुलियन बनाऊंगा जी हाँ बिल्कुल मैं एक बुलियन बनाऊंगा और मैं इस सॉर्टेड यहाँ पर लिखूंगा और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं कह दूंगा ये सॉर्टेड है अब इसको प्रूव करना पड़ेगा अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा तो मैंने कह दिया इस सॉर्टेड अगर ये इस पूरे फॉर लूप से निकल जाता है और बिना इस कंडीशन के जाए ये पूरा फॉर लूप रन हो जाता है तो ये अरे सॉर्टेड है क्योंकि उस केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एरे आई एरे आई प्लस वन से बड़ा है हमेशा या तो एरे आई छोटा है या बराबर है तो देखो वन इक्कीस सौ से छोटा है हाँ छोटा है बराबर लेस देन इक्वल टू जो है ट्रू देगा यहां पर या तो छोटा है या बराबर है हाँ छोटा है चलेगा इन दोनों को देखूँ नहीं इक्कीस सौ बड़ा है तीन जो है वो छोटा है तो ये जो कंडीशन है ट्रू हो गई इसलिए सॉर्टेड फॉल्स हो जाएगा तो मैं यहां पर लिखूंगा एफ इज सॉर्टेड साउथ में लिख दूंगा दर एरे इज सॉर्टेड और अभी यहाँ पर एक कैच है वो भी मैं बताऊंगा क्या है The array इज नॉट सॉर्टेड ठीक है अब ये प्रोग्राम एर, एरर देगा ये प्रोग्राम एरर देगा क्यों एरर देगा ये प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ देखो मैं i को चला रहा हूँ जीरो से लेके यानी कि जीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो से लेके मैं सिक्स तक चला रहा हूँ i को जैसे ही मेरी i की वैल्यू सिक्स होगी तो सिक्स प्लस वन सेवन ये बोलेगा सेवेंथ एलिमेंट तो है ही नहीं सेवेंथ एलिमेंट तो है ही नहीं तो मुझे इसको एक कम तक चलाना पड़ेगा यानी कि मैं एक बार तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा फिर मैं इन दोनों को करूंगा फिर इन दोनों को करूंगा फिर इन दोनों को करूंगा फिर इन दोनों को करूंगा नहीं सिक्सटी सेवन को मैं किसी से नहीं कर सकता इसलिए मैं ये लूप सिक्सटी सेवन के लिए नहीं चलेगा तो एक कदम पीछे के लिए चलेगा ये तो इसलिए मुझे माइनस वन लगाना पड़ेगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको इसके राइट वाले से चेक करूँ इसको इसके राइट वाले से चेक करूँ इसको करूँ इसको करूँ इसको करूँ इसको भी इसके राइट वाले से चेक करूँ लेकिन इसके राइट वाला तो है ही नहीं इसलिए इसको इसके राइट वाले से चेक नहीं करूँगा ठीक है इसको इसके राइट वाले से चेक नहीं करूँगा अभी इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है एरे इज़ नॉट सॉर्टेड क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है इसको चलो सॉर्टेड बना देते हैं अरे को वन टू थ्री फोर फाइव कर देते हैं और अभी सॉर्टेड है ये देखो फाइव से बड़ा थर्टी फोर थर्टी फोर से बड़ा सिक्सटी सेवन रन किया तो देखो एरेज सॉर्टेड आ गया तो यहाँ पर अगर ये सॉर्टेड होगा तो सॉर्टेड आएगा सॉर्टेड नहीं होगा जैसे कि आप देखो अपनी स्क्रीन में अरेज नॉट सॉर्टेड आ गया तो या तो सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है अभी इस केस में सॉर्टेड नहीं है आप इसको सॉर्टेड बना दोगे तो ये सॉर्टेड हो जाएगा ठीक है आई होप कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई इस प्रैक्टिस सेट की सहायता से अगर हो गई तो मुझे कमेंट में बताओ मज़ा आ गया ये प्रैक्टिस सेट तो मिल ही जाना है आपको मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड दे दूंगा आप लोगों को और उसी के साथ साथ एक और बात ये है कि जावा का कोर्स जो है वो बहुत कम लोग अभी देख रहे हैं बट जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बस ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है क्या आप खुश हैं क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मज़ा आ रहा है ना अब जैसे जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तब और मज़ा आएगा देखना और फिर उसके बाद चीज़ें करने में और भी मज़ा आएगा ठीक है तो इसको एक्सेस करो प्लेलिस्ट को बुक करो या क्लिक करके सेव करो और इंस्टाग्राम पे देखो थंबनेल इतना अच्छा लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे शेयर करना तो बनता है तो इस वीडियो के बाद आप सब लोग जा रहे हो इंस्टाग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट लेके और मुझे टैग कर रहे हो सब लोग एट द रेट कोड विदरी पर और मैं भी फिर उसके बाद लगाता हूँ इंस्टाग्राम पर स्टोरी तो ये वीडियो जिसने भी यहाँ तक देखा है सब लोग स्क्रीन ले लो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो और इसको जो है शेयर कर दो इंस्टाग्राम पर ठीक है मैं देखूँगा अगर आप मुझे टैग करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी फिर मैं उसको वापस से लगाता हूँ देखो ठीक है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक like करना मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम